नमस्कार दोस्तों, वुमेन T20 वर्ल्ड कप लगभग अपने अंतिम चरण पर आ पहुंचा है और आज वुमेन T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई के लिए मिलेगी चौथी टीम। तीन टीमें पहले ही सेमीफाइनल में जा चुकी हैं और आज दो टीमों के बीच होगी सेमीफाइनल में जाने की सबसे बड़ी जंग। तो कौन सी वो दो टीमें हैं जिनके बीच आज सेमीफाइनल में जाने पर होगा फैसला, बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों इससे पहले, अगर आप भी भारतीय टीम को एक बेहतरीन टीम मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वुमेन T20 वर्ल्ड कप में आज सेमीफाइनल से पहले आखिरी दो मुकाबले खेले जाएंगे, जहां पहले मुकाबले में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी और फिर उसके बाद दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका की टीम आमने सामने होने वाली है। इंग्लैंड की टीम तो पहले ही अपने तीन मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है और वहीं कल भारत ने भी आयरलैंड की टीम को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। ऐसे में आज इंग्लैंड हारे या जीते तब भी इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में जाने वाली है। और वहीं दोस्तों ग्रुप वन में ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने चारों मुकाबले जीतकर सबसे पहले सेमीफाइनल में जा चुकी थी, लेकिन दोस्तों ग्रुप वन में अभी भी दूसरी टीम को लेकर सेमीफाइनल की जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि तीन टीमें सेमीफाइनल में जा चुकी है और आज ग्रुप वन से सेमीफाइनल में जाने वाली चौथी टीम पर फैसला होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम एक मुकाबला आज बांग्लादेश की टीम के खिलाफ खेलेगी जो रात 10:30 बजे खेला जाएगा। अगर साउथ अफ्रीका की टीम इस मुकाबले में जीत जाती है तो साउथ अफ्रीका की टीम अच्छी रन रेट के कारण 4 अंकों के साथ सेमीफाइनल में चली जाएगी और यदि बांग्लादेश की टीम साउथ अफ्रीका को हरा देती है तो न्यूजीलैंड की टीम 4 अंकों के साथ सेमीफाइनल में जाने वाली चौथी टीम बन जाएगी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम की रन रेट काफी ज्यादा कम है और अगर साउथ अफ्रीका की टीम आज जाती है तो दोनों टीमों के 4-4 अंक हो जाएंगे और साउथ अफ्रीका की टीम रन रेट अच्छी होने के कारण सेमीफाइनल में चली जाएगी और न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। तो आज देखना होगा इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम सेमीफाइनल में जाने वाली चौथी टीम होगी। तो दोस्तों ऐसी ही क्रिकेट की ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।